मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। एक हम कई बार चर्चा कर चुके, राजनीतिक मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन जब हम जन समस्याओं की बात करते हैं उस पर भी हम कई बार सवाल उठा चुके हैं। इस पीड़ित लड़की को देखकर आपको क्या जहन में आता है? आप भी कई बार सरकारी अस्पतालों का रुख करने की सोचते होंगे, करते भी होंगे, सिफारिश के बिना शायद बेहतर इलाज हो पाए, या फिर जाते ही नहीं होंगे, सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते होंगे। सोचिए वो डॉक्टर कैसा होगा जो एक तड़पते हुए मरीज को इलाज देने की जगह अपनी जगह बैठा रहे और उसे दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहें। हरदोई से ऐसा ही मामला सामने आया है। इस 2 मिनट के वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे एक लड़की कैसे पेट दर्द से तड़प रही है, लेकिन डॉक्टर साहब आराम से बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को आप भी एक बार देखिए, सुनिए उसकी तड़प, सुनिए उसकी बातचीत को, सुनिए सुनिए। एके मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर हम अलग अलग तरह से हमेशा उनके साथ हम खास तौर पर चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले राम सिंह वाल्मीकि, आपके पास हम आना चाहते हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है? सरकारी अस्पतालों को लेकर तमाम तरह से तस्वीर हम रोज दिखाते हैं, रोज हम बड़े बड़े सवाल करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आखिरकार इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? इस पीड़ित लड़की को आप क्या कहेंगे? सरकारी अस्पताल में जाने से पहले आखिरकार लोगों को डर क्यों नहीं लगे? राम सिंह वाल्मीकि जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एके मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। एके, हम कई बार चर्चा कर चुके, राजनीतिक मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन जब हम जन समस्याओं की बात करते हैं उस पर भी हम कई बार सवाल उठा चुके हैं। इस पीड़ित लड़की को देखकर आपको क्या जहन में आता है? आप भी कई बार सरकारी अस्पतालों का रुख करने की सोचते होंगे, करते भी होंगे, सिफारिश के बिना शायद बेहतर इलाज हो पाए, या फिर जाते ही नहीं होंगे, सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते होंगे। देखिए अजितेश, मैं बताऊं, अपनी पूरी जिंदगी में मैं कहीं पे भी, कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अगर हम गए होंगे तो ऐसा केस, ऐसा वाक्या हमने आज तक नहीं देखता जी। देखा, क्रूरता की हद है। क्रूरता की हद होने का मतलब यह है कि डॉक्टर बैठे हैं और उनके साथ उनके असिस्टेंट भी आप देखिए साइड में खड़े हुए हैं, और कोई भी आदमी उस लड़की को देखने तक के लिए या 2 शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। मैं जितने भी हॉस्पिटल में गया हूं, इस कंडीशन में तो इमीडिएट जो है मैनेज किया जाता है पेशेंट को, चाहे कितनी भी भीड़ हो, कुछ भी हो, लोग मतलब डॉक्टर लोग पिघलते जरूर है। यहां पे तो ये मैडम जो डॉक्टर है ऐसे बैठी हुई है ना, देखिए एक तो होते हैं भाई जिनको भगवान ने ही आंख और नाक कान वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ये मतलब मूक बधिर तो नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशनल मूक बधिर मुझे लगती है कि सब कुछ होते हुए भी पता नहीं इनका हृदय कैसे है कि यहाँ पे लड़की बगल में बैठी है। इससे ज्यादा क्रूर जो है आपको एग्जाम्पल, मतलब मेडिकल साइंस में, भारत में चिकित्सा के उसमें आप एक एग्जाम्पल लीजिए, सुषेण वैद्य ने मना कर दिया था जाने के लिए, लेकिन समझाने पे वो भी तैयार हो गए थे लक्ष्मण के इलाज के लिए। वैद्य का, डॉक्टर का पहला कर्तव्य है इलाज करना, और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें कि मेडिकल भी एक प्रोफेशन है कि बिना कुछ देखे हुए आपको वहां पे रिएक्ट करना है, अपनी सर्विस देनी है, फीस की भी आपको वहां पे चिंता, जैसे कोई अगर इमरजेंसी, मान लीजिए कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप डॉक्टर हैं, और ऐसा मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा जो डॉक्टर हो और ऐसी कंडीशन को देख के उठा ना हो, अपने कुर्सी से उठा ना हो, अपनी जगह से हिल करके उसने हेल्प ना दी हो। ये मतलब इनको तो क्या बोला जाए, ये केवल डॉक्टर ही नहीं, ये गायनी, ये अब मुझे अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं पता है, नारी को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पीड़ा और भावनाओं को समझने वाली नारी होती है जी। इनका एग्जाम्पल लेके आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, क्या कहेंगे? एके, हम देख रहे हैं ना, हमने एक सवाल किया तस्वीर को लेकर, बात पहुंची आयुष्मान भारत योजना तक, बात पहुंच गई प्रधानमंत्री आवास योजना तक, बात पहुंच गई तमाम पिछली सरकारों के कामों को लेकर, लेकिन इस तस्वीर पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या एक योजना की वजह से एक डॉक्टर का व्यवहार इस तरह का हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए इसमें किसी भी गवर्नमेंट का फेल्योर या किसी योजना का सक्सेस या फेल्योर नहीं है। ये एक इंडिविजुअल केस है, और मैं आपको बताऊं, ये है प्रोफेशनल इथिक्स का वायलेशन। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आईएमए वगैरह की गाइडलाइन होती है कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या है, एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, भले उस पेशेंट की स्थिति कुछ भी हो, उसके पास पैसा है कि नहीं है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है उसको। और दूसरा ये है, देखिए प्रोफेशनल इथिक्स का वायलेशन, दूसरी चीज ये होती है ना, हृदय विहीनता। जब जिस आदमी के अंदर हृदय ना हो ना, वो डॉक्टर क्या हो, वो भगवान हो, कुछ भी हो, वो किसी भी प्रोफेशन में हो,
वो इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं जो ये डॉक्टर साहब बैठी हुई थी। हाँ। तो ये केवल दो है, ये कैरेक्टर और प्रोफेशनल इथिक्स से रिलेटेड है। कोई डॉक्टर पूरी 7-8 लोगों की टीम लेके वो मैडम बैठी है और कोई भी आदमी उस बच्ची को जो है देख नहीं रहा है। अगर आपके पास दवा नहीं है तो दो शब्द आप बोल दीजिए जो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला इलाज होता है कि पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार, उसको दिलासा देना, उसको ऐसे वर्ड्स बोलना कि कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। जी हाँ, ये चीजें भी उनके मुंह से अगर नहीं निकली तो खामोश बैठे, क्या बोलेंगे मीडिया के सामने आकर, क्या कार्रवाई हो रही है? सर, मैं कितनी बार सवाल करूं, एक ही अब तो सीरियसली, मतलब इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें, मतलब अभी तक हम सोच रहे थे चलिए हम सवाल कर रहे हैं, धीरे धीरे पहल आगे बढ़ रही है। सीएमओ साहब तो कह रहे जानकारी नहीं मामले की, सीएमओ साहब कह रहे समझौता हो गया, डीएम साहब कह रहे कार्रवाई हो गई। अरे किससे पूछे फिर हम? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं सर, 2-3 दिन पहले ये वीडियो फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया पे आ गया था, मैंने घर पे इस चीज को देखा था। जी, सबको पता है, जो जरा सा भी जागरूक आदमी है उस डिपार्टमेंट का नहीं है उनको पता है, और इधर नाक के ऊपर मक्खी बैठी हुई है उनको सीएमओ साहब को नहीं पता है। हाँ। और देखिए, इसी को बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा। शासन को, शासन के अंदर जो कोताहियां होती है, शासन को जनता से या किसी बाहरी आदमी से दिक्कत थोड़ी है, शासन के अंदर खुद चिराग तले इतना बड़ा अंधेरा है कि उसको दूर करने की जरूरत है। हाँ। तो इसी कारण कोई विकास या कोई गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है वो 100% सफल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि चिराग तले अंधेरा है जो शासन को आज तक दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 70 सालों में गवर्नमेंट चाहे जिसकी रही हो, आप ही के मंत्री, आप ही के मिनिस्टर, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सारी गलतियां तो वही लोग करते हैं ना। पब्लिक तो केवल फरियाद करती है कि साहब हमें ये सुविधा दे दो, ये सुविधा दे दो, ये इमरजेंसी है, ये दे दीजिए। जी डॉक्टर आलोक सोती, आप देख रहे हैं ना सर? और नहीं, एक अजितेश जी आ रहे, सोती साहब आ रहे हैं जी। देखिए है क्या, कितना मतलब आश्चर्यचकित करने वाला बयान था सीएमओ साहब का, समझौता हो गया। साहब, शासन समझौता कराने के लिए होता है कि कार्रवाई करने के लिए होता है? दो शब्दों में बड़ा फर्क है, समझौता और कार्रवाई। जब आप एक अथॉरिटी हैं तो आपका पहला दायित्व तो होता है कि सेवा में अगर कोई चूक हुई है तो आप उसको कार्रवाई करिए। योगी जी भी इसी फिलॉसफी में वो करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो जो आदमी काम नहीं कर रहा है, जो ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, सीधे उसको रिटायर किए, वीआरएस दिए, सस्पेंड किए। योगी जी समझौता कर रहे हैं क्या कि हाँ भाई चलो ऐसे ऐसे कर लो, फिर आप काम करो, ये करो वो करो? ये समझौता शब्द सर कहां से आया? ये टोटली नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। है ही सर, मामला दर्ज ना हो, अधिकारी गलत बोल रहे हैं। एके, क्यों ना कार्रवाई सीएमओ पर भी हो जिन्होंने समझौता करवाया? नहीं नहीं, पहली कार्रवाई जो सीएमओ है या तत्काल, उसके जो एक ऊपर का स्टेप है, जो लेवल है, वहां पे होना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि अगर किसी लेवल पे गलती या कोई कोताही होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बॉस की होती है कि वो उसको करेक्ट करे, देखे। और यहाँ पे बॉस ही जैसे, मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा, यहाँ पे डॉक्टर भी वैसे ही है और बॉस, उनके जो बॉस है सीएमओ साहब, उनको भी इस केस की गंभीरता नहीं समझ में आ रही है। ये मैंने आपको बोला, ये प्रोफेशनल बिहेवियर का मामला है जो कि बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आज चलिए एक लड़की के साथ हुआ, बिहेवियर के हिसाब से देखा जाए तो वो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया केस को। उसकी हो सकता है उसको अपेंडिक्स रहा हो, अपेंडिक्स बस्ट कर जाए, वो मर जाए। और अगर किसी का कोई चीज ये बिहेवियर का पार्ट है, उसके प्रोफेशनल बिहेवियर का पार्ट है, तो कल को कोई और मरीज आएगा तो उसको भी यही बोलेंगे कि हाँ भाई देखेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसे करके। तो ये बिहेवियरल करेक्शन कहाँ होगा? उसके लिए तो वहां पर कार्रवाई करना इमीडिएट जरूरी है। जी, इस चीज को कोई समझता नहीं है। जो सीएमओ साहब है वो भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक चीज है। बिल्कुल, जो नेग्लिजेंस होती है भाई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी देखिए, अगर कहीं दरार आ गई तो इमीडिएट करेक्ट नहीं किया, नेग्लेक्ट कर दिया, ट्रेन गिर गई, बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रोफेशनल जो है नेग्लिजेंस जो है ये बिहेवियर से रिलेटेड है और इमीडिएट ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हो। डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हालात बेहतर हो। मतलब कहने का मतलब है कि कोशिश जो है, ये मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि लगातार दिख रही है, जिसको लेकर कोशिश हो रही है। लेकिन जब अधिकारी है, क्योंकि बदलती तो सिर्फ सरकार है, अधिकारी वही रहते हैं। अब अधिकारियों ने अगर ये ठान ली है कि हम तो उसी ढर्रे पर चलेंगे जिस ढर्रे पर चलते आए हैं, तो हालात कैसे सुधरेंगे? क्यों ना कार्रवाई की जाए? अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं एक साथ उन अफसरों पर जो लगातार ढीलावाली कर रहे हैं, तो गलत क्या है? देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री जी
अपने लेवल पे भाई टाइम तो 24 घंटे सबके पास सेम है ना, मुख्यमंत्री जी 28 घंटे उसको थोड़ी कर देंगे जी, अपने लेवल पे जो उनकी जिम्मेदारी है वो अपने सारे हर चीज को सुख सुविधा को छोड़ के अपनी नेतागिरी को छोड़ करके वो इस चीज पे लगे हैं कि समाज का उत्थान जो है प्रदेश का विकास कैसे किया जाए। ये चीजें फेल्योर क्यों होती हैं, जिन लोगों को इंप्लीमेंट करना होता है। अब देखिए जहां पे ऐसे सीएमओ पड़े होंगे जो बोल रहे हैं कि हमने समझौता करा दिया, अरे समझौता करा दिया आपको नजीर पेश करना चाहिए था ताकि आगे के और ऐसे जो अधिकारी यूपी में है वो ऐसा दुस्साहस ना करे। अगर ऐसे ही हर जगह पे होने लगे, हर जगह समझौता होने लगे तो समझौता से शासन और प्रशासन नहीं चलता है। हाँ। समझौता कर लेने से ये कोई मारपीट वाली घटना नहीं है, ये देखिए ये घटना आप प्रोफेशनल तरीके से देखिए, एक पेशेंट गया जिसका अधिकार है सर्विस लेना और जो डॉक्टर बैठे हैं उनका अधिकार है, दायित्व तो है, वो फोर्स्ड है सर्विस को डिलीवर करें एज पर द प्रोफेशनल नॉर्म और उससे भी बढ़कर के एज पर द ह्यूमिनिटी अगर देखा जाए मानवता के नाते। कोई आदमी सड़क पे गिर भी जाता है ना तो अगर जो आदमी वहां अगल बगल रहते हैं वो भी थोड़ा सा पैर वैर में मालिश कर देते हैं चोट आई है कि नहीं आई है। ये मोहतरमा जो डॉक्टर साहब बैठी थी इन्होंने तो उसको स्ट्रेचर पे लिटा के हाथ भी नहीं लगाया, बोला तक भी नहीं, देखा तक भी नहीं कि कहां दर्द हो रहा है। ठीक है आपके यहां वो फैसिलिटी नहीं थी, आप कुछ इमीडिएट पेन किलर दे सकती थी सिंपल सा कुछ, इन्होंने तो अपने शब्दों का, डॉक्टर के पास सबसे बढ़िया पेन किलर होता है, इलाज होता है शब्द, अच्छे शब्द। हाँ इन्होंने, इनके पास तो उन शब्दों का भी अकाल दिख रहा है तो दवाइयां क्या होंगी। बिल्कुल आरएक्स लिखने के पहले, मेडिसिन लिखने के पहले कोई भी डॉक्टर जो पहला इलाज देता है वो होता है पेशेंट को सांत्वना देना कि अरे भाई हाँ। कोई बात नहीं, पेशेंट को लगता है कि अब हम अच्छे जगह पहुंच गए हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जान बच जाएगी। ये मोहतरमा तो कुछ बोल ही नहीं रही है, वहीं बैठी है, इतनी कंफर्टेबल चेयर मिल गई है, सरकारी जॉब है तो चेयर बड़ी कंफर्टेबल है, बैठी है, उन्होंने देखा तक भी नहीं उस लड़की की तरफ, ये जो फुटेज थी। बिल्कुल टेंशन ही नहीं किसी तरह की, इतना बड़ा नेग्लिजेंस है। आखिरी समय है तो हम आप एक एक लास्ट कमेंट आपसे, उसके बाद रामसिंह वाल्मीकि बात चलेंगे 30 सेकंड। देखिए जो सबसे बेसिक राइट होता है ना, ह्यूमन राइट, आज सरकार ने आदेश दे के रखे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो कोई भी हो, पैसे के अभाव में भी कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है इलाज करने से मना नहीं कर सकता। तो वहां पर ये देखिए सबसे जरूरत वाली चीज होती है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, ये कितना बड़ा उल्लंघन है हम लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वहां पे, मानवता के नाम पे ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। एक आदमी जो डॉक्टर साहिबा बैठी है कैसे इतना जो है रूढ़ हो सकती है, कैसे उनका जो है हृदय एकदम